हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अमित के सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों, मानसून का सीज़न आ चुका है और इस वक्त गाड़ियां काफ़ी गंदी रहती हैं, उसमें मड जो हैं वो बहुत ही हैवी होते हैं। नॉर्मली हम अगर रेगुलर जो घर का गार्डन वाला पाइप होता है उसे वॉश करते हैं तो वो मड आसानी से निकलते नहीं हैं, तो उसके लिए मैंने ये प्रेशर वॉशर परचेस किया है जो कि है नया प्रोडक्ट स्टारक्यू का। काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन लगा मेरे को, तो मैंने इसे ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रेशर कैसा है। ठीक है, लेट्स गो। तो करते हैं इसको अनबॉक्स। इसकी पैकिंग भी काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, तो निकालते हैं इसमें से प्रेशर वॉशर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल है, शायद आई थिंक बिल ही होगा। हाँ जी, तो ये बिल है हमारा। ठीक है, तो इसको करता हूँ मैं साइड में। चलिए अब देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो बॉक्स के अंदर एक और कार्टून है जो कि मेन बॉक्स है हमारा स्टारक्यू का, तो इसको निकालता हूँ मैं। ये रहा प्रेशर वॉशर। बाहर से आप देख सकते हैं बॉक्स पे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2400 वाट का ये प्रेशर वॉशर है और मॉडल नंबर है दोस्तों ST W4 Pro। ठीक है, ये नया अभी लॉन्च हुआ है और ये देख सकते हैं यहाँ पर इसमें मोटर ट्रांसपेरेंट है, दिखाई दे रहा है और व्हील भी आता है। तो चलिए जल्दी से बॉक्स को ओपन करके देख ही लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है रबड़ हॉस पाइप, लगभग 7 से 8 मीटर का होगा और M22 साइज़ का है ये। इसको करता हूँ मैं साइड में पहले। फिर दोस्तों बॉक्स में आपको मिल जाता है सेल्फ ट्रिमिंग पाइप, देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और लगभग 2 मीटर के करीब है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़िल्टर मिल जाता है आपको, ये देखिए ये आपका बकेट में इस्तेमाल होगा और ये जो है ये आपका प्रेशर वॉशर में लगेगा। ठीक है, इनलेट फिल्टर है ये और उसका ये अडाप्टर है। ठीक है, तो इसको करता हूँ मैं साइड में। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्हील्स हैं जो कि लगेंगे प्रेशर वॉशर में, देख सकते हैं। तो इसको कैरी करना काफ़ी इजी हो जाएगा आपको मूव करने के लिए कहीं भी। तो ये व्हील्स के पार्ट हैं, अभी मैं असेंबल करके आपको दिखाऊंगा। करता हूँ साइड में। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है वारंटी कार्ड का पेपर। ठीक है, और यहाँ पर एक देख सकते हैं ये पिन दिया गया है क्लीनिंग के लिए, गन में या फिर प्रेशर हॉस पाइप में कहीं कचड़ा फंसता है तो उसके लिए। ठीक है, करता हूँ साइड में इसको। फिर यहाँ पर दोस्तों एक मिल जाता है शैम्पू डिस्पेंसर आपको, और दोस्तों इसके साथ आपको मिल जाती है एक गन। ठीक है, चलिए देखते हैं गन की क्वालिटी। तो ये रहा गन, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा है। ठीक है, वेरिएबल है, यहाँ से आप पॉइंटेड भी कर सकते हैं और स्प्रेड भी कर सकते हैं। इसको करता हूँ साइड में। और यहाँ पर दोस्तों एक मिल जाती है आपको एक्सटेंशन रॉड। ठीक है, इसको भी करते हैं साइड में। अब निकालते हैं अपने मेन कंपोनेंट को जो कि है हमारा प्रेशर वॉशर। तो आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन मुझे काफ़ी यूनिक लगी, इसलिए मैंने इसे परचेस किया है। सो गाइस, ये रहा स्टारक्यू का प्रेशर वॉशर, देख सकते हैं आप इसकी डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। यहाँ पर ये इसमें ट्रांसपेरेंट मोटर इसका दिख रहा है मुझे, मैं एक बार कैमरा नज़दीक करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें मोटर भी इसकी साफ साफ दिख रही है हमें। तो यहाँ पर आपका इनलेट फिल्टर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर व्हील्स लगेंगे जो कि मैं अभी लगाऊँगा। और ऊपर के साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको मैं मूव करता हूँ तो यहाँ पर आगे की तरफ ये पंप का आगे का हिस्सा है ये। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रेशर कंट्रोल नॉब मिल जाता है और ये रहा आपका प्रेशर गेज, देख सकते हैं आप। और इसको मैं थोड़ा सा और इधर साइड करता हूँ तो यहाँ पर लगेगा आपका प्रेशर हॉस पाइप। ठीक है, तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है इसका। और ये देखिए ये आपका पीछे का हिस्सा है जहाँ पर फ़ैन लगा हुआ है। ठीक है, मोटर को कूल रखने के लिए। और इसकी जो केबल लेंथ है
यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, लगभग मुझे लगता है 5 से 6 मीटर के करीब होगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इसका डिज़ाइन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सो गाइस, इसका मॉडल नंबर आपको पता ही हो गया, ST W4 Pro है ये मॉडल नंबर। आप अमेज़ॉन पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं हम लोग लाइट्स को। सो गाइस, हमने लगा दिया है यहाँ पर चारों व्हील्स, देख सकते हैं आप, और ये कुछ इस तरह से मूव हो सकेगा, ठीक है। और आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को पता है और इसका काफ़ी अच्छा फीचर्स है ये इस प्रेशर वॉशर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंप हेड के आगे यहाँ पर ये आपको मिल जाता है एयर रिलीजिंग वेल्व, ठीक है। ये आपका एयर रिलीज़ होगा और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो सक्शन का टाइम है वो काफ़ी कम लगेगा और प्रेशर जल्दी बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है वो बकेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं सक्शन करने के लिए, तो उसके लिए ये खास फीचर्स है कि आप जैसे ही सक्शन करते हैं तो वो सक्शन का जो टाइम है वो काफ़ी कम लगेगा और प्रेशर वॉशर और हॉस पाइप में जो भी एयर है वो पूरी तरह से निकल जाएगी, ठीक है। तो यही इसका फीचर्स था। तो चलिए अब इसको मैं जल्दी से लगा कर आप लोगों को इसका परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। दोनों साइड आप देख सकते हैं अटैच हो गया है पाइप, हॉस पाइप यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब इसको यूज़ करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सारा कुछ रेडी है, जल्दी से अब प्रेशर वॉशर को ऑन करता हूँ मैं, और जो इसका एयर है उसको पहले रिलीज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। देख सकते हैं ये रिलीज़ हो गया है, काफ़ी अच्छा फ्लो आ रहा है इसका पानी का, सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेरिएबल स्पीड के लिए दिया गया है नोज़ल 0 डिग्री और ये स्प्रेड सिस्टम, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आप प्रेशर देख सकते हैं, ये पूरा प्रेशर कंट्रोल नॉब फुल है। अब मैं इसका यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका जो प्रेशर कंट्रोल नॉब है, ये आप माइनस पे करेंगे तो ये आपका प्रेशर भी लो होते जा रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है इसमें। अगर आपको एसी सर्विस करनी है तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा ऑप्शन, ठीक है, प्रेशर कंट्रोल नॉब वाला। अब मैं इसको फुल करता हूँ, दिखाता हूँ फिर आपको प्रेशर इसका। ये देखिए, ये आपका फुल हो गया और प्रेशर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको कार पे यूज़ करके देखते हैं। टायर पर प्रेशर वॉशर का यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसा क्लीन करता है ये। तो देख सकते हैं आप, सुपर। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप टायर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, सॉलिड। इसके अंदर का भी आप देख सकते हैं क्लीनिंग, इतना आसानी से आप, अगर एक्सटेंशन रॉड लगी है तो आपको झुकने की भी ज़रूरत नहीं है और आराम से आपका ये क्लीन हो जाएगा। प्रेशर आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी, कार के रूफ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कचरा है। और ये देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है प्रेशर वॉशर। तो मॉनसून सीज़न में आपकी गाड़ी डेली गंदी होगी और आप प्रेशर वॉशर से यूज़ करेंगे तो आपका कम टाइम में अच्छे से वॉश हो जाएगा। वहीं आप अगर वॉशिंग सेंटर गाड़ी को लेके जाते हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि कम से कम जनरली 200 से 300 चार्ज रहता है कार वॉश का, और मॉनसून में हमेशा आपकी गाड़ी गंदी ही रहेगी आमतौर पर। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इसे परचेस कर सकते हैं।
गाड़ी का आगे का व्हील्स भी गंदा है, तो देख सकते हैं ये देखिए कुछ सेकंड में ये जो डर्ट हैं इसके हुए हैवी वाले वो गायब हो गए, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स फोम वॉश करते हैं। ये आप अगर कॉम्बो ऑफर लेते हैं तो आपको स्टारको का फोम करें और ये क्योंकि अडाप्टर भी मिलेगा तो यूज़ करते हैं इसको। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त इसका फोम है। ये येलो कलर का स्नो फोम है और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है, देख सकते हैं आप इस पर जो थिकनेस है इसके फोम की कितनी बढ़िया आई है। चलिए फ्रंट पे भी इसको अप्लाई करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं गाड़ी पूरी येलो फोम से ढक चुकी है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, सुपर्ब। सो फ्रेंड इस प्रेशर वॉशर से आप कार ही वॉश नहीं बल्कि आप आपका अगर रूफ़ है या फिर घर की फ्लोर है या एसी हुआ क्लीनिंग करना, वो सारी चीज़ें आप इस प्रेशर वॉशर से इजीली कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रेशर कंट्रोल नॉब भी दिया गया है तो प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी आसानी से कर सकते हैं। और इसकी डिज़ाइन जो है मेरे को वो काफ़ी यूनिक लगी, देख सकते हैं आप प्रेशर भी काफ़ी सफिशिएंट है कार वॉश करने के लिए, आराम से आप इससे कार वॉश कर सकते हैं घर पर ही। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसकी परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखाई काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी डिज़ाइन मेरे को काफ़ी यूनिक लगा, अभी तक ऐसा मैंने प्रेशर वॉशर नहीं दिया जिसमें व्हील्स भी हो, ये ट्रांसपेरेंट है, इसका मोटर का पार्ट भी दिखता है और परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी अच्छा है, प्रेशर कंट्रोल नॉब के साथ आता है। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।